नमस्कार, दी अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी की। जहाँ एक तरफ लोग जम्मू में ई बसेस के चलने से काफी खुश हैं, वहीं अब ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू शहर में ई बसों के अनुशासनहीन संचालन के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान किया था, जिसे शाम होते होते परसों तक स्थगित कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी थी। आज इस मुद्दे को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की बैठक जम्मू नगर निगम के आयुक्त, जम्मू स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल यादव से थी, जिसका सुबह कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बैठक के लिए ट्रांसपोर्टर्स वहां पहुंचे, बैठक में बात नहीं बनी, जिसको देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस बैठक में निष्कर्ष न निकलने के कारण ही ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम जारी रखने का ऐलान किया था। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप था कि आयुक्त ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद दोपहर बाद एक और बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे से बात की और कई मुद्दों पर सहमति दिखाई, जिसको देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने परसों तक चक्का जाम की कॉल को स्थगित कर दिया है। उनका कहना था कि कुछ मुद्दों को लेकर प्रशासन ने समय मांगा है और कुछ मुद्दों को हल कर दिया है, जिसको देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है कि परसों तक अगर उनके सभी मुद्दे हल नहीं होते तो आगे की रणनीति को निर्धारित किया जाएगा। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी के तहत ई बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों को ऐसे रूट पर चलाया जा रहा है जहां पहले से ही यात्री वाहनों की संख्या अधिक है, जबकि इनका परिचालन ऐसे रूट पर होना चाहिए था जहां यात्री वाहनों की कमी है। प्राइवेट बसें समय सारिणी के तहत चलती हैं, लेकिन ई बसों का संचालन मर्जी से किया जा रहा है। संचालन का कोई समय तय नहीं है, इससे ट्रांसपोर्टरों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय चिब ने कहा कि सरकार से मांग की गई थी कि ई बसों का संचालन उन रूट्स पर किया जाए जहां निजी यात्री वाहन नहीं है। ई बसों का संचालन ऐसे रूट पर हो रहा है जहां पहले से यात्री वाहनों की संख्या ज्यादा है। वहीं आज इस चक्का जाम का पहला दिन था, जिसमें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ई बसें सड़कों पर नजर आ रही थी, पर ई बसों की संख्या कम होने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। आज 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा भी थी, ऐसे में कुछ विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचने में दिक्कतें पेश आई। गौरतलब है कि ये सारा विवाद ई बसेस का है, जिनके शुरू होने से लोग तो काफी खुश हैं, पर ट्रांसपोर्टर्स कुछ खासे खुश नजर नहीं आ रहे। अब देखना ये होगा कि ये विवाद थमता है या फिर लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ाता है। आपके इसके बारे में क्या विचार है जरूर बताइए, और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। आज के इस विशेष कार्यक्रम के अंक में इतना ही। कल अंक लेकर एक नई स्टोरी के साथ फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।